पता है BHU का ये सबसे बड़ा हॉल है यहाँ पे, आई थिंक कैपेसिटी अगर नीचे बैठा के चेक किया जाए तो अबाउट 2000 लोग आराम से इसमें बैठ जाएंगे, मतलब आराम से नहीं बैठेंगे, मतलब नीचे अगर फर्श पे बैठ जाए तो 2000 लोग बैठ जाएंगे। स्वतंत्रता भवन जो है ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा लग्जरियस सिटिंग अरेंजमेंट के साथ हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हॉल है BHU में, और इतना ज़्यादा सन्नाटा अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप यहाँ पे सांस नहीं ले पाते, इतना ज़्यादा। ये डबल डेकर में है, अभी इसके ऊपर एक और सीटिंग के लिए बना हुआ है और ये नीचे आप देख सकते हो। तो आप सभी को मैं बता दूँ, एक्चुअली यहाँ पे आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें आने वाले थे गेस्ट के तौर पे श्री अवध ओझा सर, जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपने मोटिवेशनल स्पीचेज और वर्ड्स के लिए, और IAS फर्स्ट रैंक शुभम कुमार जी जो बिहार के थे वो भी यहाँ पे आने वाले। तो मुझे लग रहा है BHU में ऐसा इवेंट्स पहली बार होने जा रहा था। मीन्स IAS ऑफिसर्स का आना जाना रहता है, बहुत सारे UPSC टॉक्स होते रहते हैं, लेकिन इस तरीके का टॉक लाइक कि फर्स्ट रैंक आना और साथ में एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, और भी कुछ लोग आने वाले थे, तो जाहिर सी बात है कि क्राउड इतना ज़्यादा होने वाला है, प्रशासन को पहले से थोड़ा सा माइंड में ले लेना चाहिए था। और जो इनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा करा है, वो साइड में उधर खड़े होकर लोगों भी गॉसिप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप स्टेज देख सकते हो, डेकोरेट भी हो चुका था, बच्चे आ चुके थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था। मुझे लग रहा है कि जब मेरी आंखें उसको पहली बार देखी थी तो वो बाहर कम से कम 2000 बच्चे रहे होंगे, अंदर का छोड़ दो, मतलब मुझे लग रहा है चार पाँच के लगभग बच्चे रहे होंगे यहाँ पे। और लेकिन अभी कैंसिल कर दिया गया, बस इसलिए क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हो गए, प्रोग्राम आगे रन कर ही नहीं पाता भाई। तो उम्मीद है कि हो सकता है प्रोग्राम आगे पोस्टपोन, किसी दिन फिर से डेट फिक्स किया जाए, और हो सकता है अब ओपन ग्राउंड में हो, लाइक ऐसे हॉल में ना हो, ओपन ग्राउंड में हो जहाँ पे हर कोई फ्री हो और वो आ सके। ठीक है, अच्छा अभी वही ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उन लोग में था चहल पहल है, ऑलमोस्ट अब वो लोग इंड कर रहे हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि आ भी चुके थे वो लोग, सुनने में आ रहा है कि स्टेज पे एक बार आकर उन्होंने खुद अनाउंस करा कि हम कैंसिल कर रहे हैं, और बाकी की चीज़ें। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखो लास्ट में एक बात जो मैं एक सजेस्ट करना चाह रहा था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब प्लीज़ इसको अपने माइंड में ज़रूर ध्यान से रख लीजिए। ठीक है, वो ये है कि UPSC अगर निकालना है, देखो BHU का रिकॉर्ड UPSC में ऐसे भी बहुत अच्छा नहीं है, CAPF में फर्स्ट रैंक रहा है, जिसका टॉक मैंने ही लिया था, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सचिन भैया का, बिहार के ही थे, और ऐसे कुछ फर्स्ट रैंक बाकी टीचिंग फैकल्टी और चीज़ों में मिल जाएगी। लेकिन UPSC में या PCS में, जैसे अभी PCS का रिजल्ट आया, तो इलाहाबाद PCS में आप देखोगे कि 5-6 बच्चे हर साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PCS में आ जाते हैं, लेकिन BHU ना ही PCS में रिजल्ट लाता है ना ही UPSC में लाता है। ऐसे इवेंट्स की कमी से भी हो सकता है, क्योंकि इवेंट्स में आने से क्या होता है कि जनरली आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ कैसे प्लानिंग करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, एक आपको नोट मेकिंग से लेकर आंसर राइटिंग स्टडी की पूरी एक ओवरऑल 24 आवर्स की जो प्लानिंग है वो लोग खुद दे देते हैं। आप टॉपर के हाथ से जानते हो तो जाहिर सी बात है भाई फायदा तो बहुत ज़्यादा होगा जब वो खुद आपको अपने बातों से बताएं। अब जो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, 4 साल का एक्सपीरियंस BHU में है, अभी मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप BHU के फैसिलिटीज को यूज करके और अपना 24 आवर्स यूज करके आप UPSC या PCS की प्रिपरेशन कर सकते हो। होता क्या है, BHU का एक जो ट्रेडिशन है वो इस तरीके का है, सीरियस बहुत कम है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद कॉमेंट करना कि सीरियस बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं है, जैसे कि मान के चलो कि 1000 में 10% का जो एक है वो यहाँ पे है कि कितना, मैं एक बार बैठ के बताता हूँ। ठीक है, अच्छा इस बात को अच्छे से सुनना ज़रूरी है, अबाउट 1000 में 10% बच्चे जो हैं वो लगभग सीरियस होते हैं, बाकी का जो एक पढ़ने का जो एक प्लानिंग है मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। और मैं ऑलरेडी UPSC पे, चूंकि मैं UPSC का सिलेबस डिस्कस किया था एक बार, फ्रेशर्स बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर कैसे प्लानिंग करें, और मैं 3 बार वीडियो बना चुका हूँ और 10K 20K व्यूज भी जाता है, लेकिन वही बच्चे बाद में 1.5 साल 2 साल बाद जब मुझे मिलते हैं पता चलता है कि वो घूमते रहे हैं और उनका कोई अब UPSC को लेकर थॉट भी नहीं है। कुछ ज़्यादा जो फ्रेंडली वो मुझे कहते हैं कि भैया बस MA निकलवा दो, यहाँ तक का स्टेटमेंट सुनने में आता है। तो मैं ये आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा ना भाई, जिस एम से, जिस थॉट से आप एंट्री लेते हो इस गेट के अंदर, उसको भूलो मत बेसिकली। फिर आप ऐसे जो
स्पीकर्स को सुनने आते हो, ऐसे टॉपर्स को सुनने आते हो, आप वहाँ पे होगे और कोई आपको दूसरा सुनने के लिए यहाँ बैठेगा इस रेड वाली चेयर पे, तो आई थिंक आपको खुद टॉपर बनना चाहिए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, एज भी हो चुका है, आप एलिजिबल भी हो, यूजी कर चुके हो, आप पीजी में आ रहे हो या यूजी में चल रहे हो, तो आप अपना जो बेसिक स्टडी है उसको कर सकते हो। अभी सोचो कि साइबर और सेंट्रल लाइब्रेरी की सीटें फुल हो जाती हैं। मैं बोला ना कि कुछ परसेंट बच्चे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है पढ़ाई के। एक बार मुझे लाइब्रेरी में रात में जाना हुआ चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कैंटीन 24 आवर्स खुल गया है, तो मैं वहाँ पे देखा कि बच्चे रात में स्टडी कर रहे हैं, बहुत खतरनाक वाला। तो कुछ 1% के जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जग गए हैं और कुछ परसेंट के बच्चे जो हैं वो बहुत सो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में बीएचयू के रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे सिविल सर्विसेज में, 100% मिलेगा। बस यही है कि अब देखते हैं कि कितना साल लगता है, 2-3 साल। अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो मैं बहुत चिल्ला के मोटिवेशन नहीं दे सकता, हो सकता है मैं कोई ऐसा वर्ड ना बोलूं जो आपको एकदम दिमाग और दिल में घुस जाए, लेकिन मैं आपको एक बात जो बहुत जेन्युइन और बहुत ग्राउंड लेवल समझा सकता हूं, यही है कि भाई पढ़ाई करने आते हो तो पढ़ाई करो। बीएचयू इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है, आपको मिल गया है तो आप उसको, उसके फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करो, ठीक है। बाकी चैनल को देखते रहो और प्लीज़ एक बार उधर टीम चलते चलते मैं आपको बाहर का पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये देखो पूरा टीम, आप अभ्युदय की टीम काफ़ी बड़ी ही हो गई थी भाई। ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है उन्होंने बहुत अच्छा प्लान करा था, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि प्रोग्राम कैंसिल होना करना पड़ा, ठीक है। एक बार आपको मैं सुनता भवन भी घुमा देता हूँ। अच्छा, कोशिश रहेगी कि एक दो लोगों से मैं आपको सुनाऊँ टॉक, लाइक कि उनका क्या एक्सपीरियंस है आज के दिन का, देखते हैं अगर कोई मिल जाता है तो। देखो बेसिकली मैं आपको फिर से वही बोलूँगा भाई कि मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन देने नहीं आता है, लेकिन एक जो नेचुरल टॉक है, जो नेचुरल सजेशन है, वो तो मैं 100% दे सकता हूँ बेसिक कि हाँ। अच्छा, ये वॉल पे जो इन लोगों ने लगा रखा है, काफ़ी अच्छे वर्ड्स लगा रखे हैं, ठीक है। एक दो लोगों से मैं अभी आपको पूछता हूँ कि एक्चुअली उनका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक दो लोगों से मैं पूछता हूँ, पता चले कि उन्होंने क्या महसूस करा है आज के दिन का, क्या एक्सपीरियंस उनका है, ठीक है। ये देखो पूरा जो सुनता भवन का आज पूरा जो प्लानिंग था, मतलब ये डेकोरेशन वगैरह उन्होंने ऐसे किया हुआ था, ठीक है। प्रोग्राम देखने आए थे, आ जाओ इधर, आ जाओ दोनों, आ जाओ। अच्छा बताना कैसा रहा प्रोग्राम, कैसा रहा था, लाउड बोलना। सर प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। मतलब कैसे कैंसिल हो गया, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी सर। बहुत ज़्यादा भीड़, कहाँ से आ रहे हो, एफिलेटेड से, एफएमसी से, एफिलेटेड किस एफिलेटेड से, हाँ इतना दूर से। अच्छा क्या बनना है ये लाइफ में, क्या बनना है, एम क्या है, क्या बनना है, थोड़ा लाउड बोलना। आईएएस। अच्छा आईएएस बनना है, ओके। तो कब की प्लानिंग है, मतलब किस ईयर को लेके चलते हो, फ्रेशर्स हो अभी? यस सर। अभी फ्रेशर्स हो? सेकंड ईयर चल रहा है। अच्छा सेकंड ईयर चल रहा है, तो किस कौन से ईयर का प्लानिंग लेके चल रहे हो कि बनना है? 2025 में बैठोगे, और उसके लिए कुछ प्लानिंग पढ़ते उड़ते हो, मतलब लेकिन अलग से कुछ नहीं, लेकिन वही सब जो फोकस करे सोशियोलॉजी वगैरह ऑप्शनल लेना है, तो वही सब देख पाता, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ओके। क्या नाम है? आयशा। और आपका? कल्पना। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और लोग से बात कर लो। देखो मैं आपको इसके पहले भी बताया कि एक्चुअली जो प्रोग्राम है वो ठीक प्लानिंग ना होने की वजह से, लाइक प्लानिंग है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि वही मैं बार बार बोलूँगा कि जब आप बहुत बड़े आइकन को बुला लेते हो तो जनरली उसमें एक चीज़ हो जाता है कि आप पहली बार बीएचयू में ऐसा इवेंट्स हो रहा है तो पूरा का पूरा लोग सोचेगा ना कि हाँ चलो हम भी देख लेते हैं अभी। अच्छा बाहर का जो एक पूरा वो है वो देखने लगे। ठीक है, बाहर अभी भी इतना ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग, अभी भी लोगों को शायद मुझे लग रहा है कि उम्मीद है क्या कि प्रोग्राम अभी भी होने वाला था, ऐसा कुछ अभी भी नहीं। एक बार पहले ये दिखा दो, ये पोस्टर आओ दिखा दो इनको, देखो ये आज के जो आपके गेस्ट थे, AIR फर्स्ट मिस्टर शुभम कुमार, मिस्टर अवध ओझा सर और अभिषेक परमार सर भी हैं यहाँ पे, 2002 बैच के पर्सनालिटी टेस्ट एक्सपर्ट।
ठीक है। जनरली BHU में बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो सुनता भवन में होते रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक दो और लोगों से पूछ लेते हैं, अगर आपकी बहुत इच्छा है तो पूछ लेते हैं, नहीं तो प्रोग्राम एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मेरा बहुत अच्छा प्लान नहीं था कि मैं कि हाँ चलो ठीक है मैं प्रोग्राम चलूँगा देखूँगा। मैं तो आया हुआ था किसी को छोड़ने यहाँ, फिर मुझे लगा कि इतना भीड़ है, फिर मुझे यहाँ से 3-4 लोगों का कॉल गया कि अच्छा हम लोग को एंट्री नहीं मिल पाएगा तो हम लोग बाहर कुछ अपना व्यू देना चाहेंगे, आप आ जाओ भैया। तो मैं कहा ठीक अच्छा हम आ जाते हैं। फिर अच्छा कुल मिला के मुझे लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों ही बोल रहा हूँ UPSC मोटिवेशन देना चाहिए था, मतलब यार कुछ तो मैं क्या बोलूँ पराग, मैं थक चुका हूँ एकदम हाँ तो अच्छा एक मिनट मैं कट नहीं करूँगा, मैं इसको ओरिजिनल डालूंगा यार। कंक्लूजन दे दो ठीक है। देखो ठीक है कंक्लूजन सुनते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ होता है कि नहीं होता है मुझे सबसे पहले ही बता दो, मतलब ऑनेस्ट टॉकिंग कर रहा हूँ मैं, मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ होता है लाइक मतलब किस तरीके से मोटिवेशन जागता है बताओ, फिर कैसे आता है? अंदर से आता है, अंदर से आता है ना, डिजायर होता है ना, हाँ डिजायर होता है, हाँ फिर यार देखो मैं सच बताऊँ ना, सुनने की अगर आपको आदत डालनी है ना तो एक मुझे सोशल मीडिया पे बहुत जेन्युइन पर्सन लगते हैं और वो है विकास द्विवेदी सर। मुझे ऐसा लगता है कि IAS बनो ना बनो, PCS निकले ना निकले, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे अगर उनको सुनोगे तब। हाँ लेकिन थोड़ा सा उनका जो एक थॉट है वो इस लेवल का है। अच्छा धूप थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा था तो मैं अभी मोटिवेट अभी करना ही है। तो देखो मैं बेसिकली ये मोटिवेट कर रहा था ना कि UPSC जो है वो अभी मैंने हाल ही में जो पॉइंट्स पढ़े हैं UPSC निकालने के लिए, ठीक है वो पॉइंट्स पहले हम लोग सोचते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, तो आप ये सोचो कि आप मतलब करते हो कभी, मतलब करते हो, ठीक है बैठ के कर लेता हूँ मैं, ठीक है ओके तो मैं कहूँगा एक कट ले लो फिर उसके बाद। अच्छा ठीक है पॉइंट्स में काउंट कराता हूँ। देखो सबसे पहली बात ये है कि पढ़ते तो हो नहीं और दूसरा पॉइंट ये है कि बस घूमते रहते हो। ये देखो अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, मुझे पता है ऐसा पता है, ठीक है पढ़ते हो नहीं बस घूमते रहते हो और फिर सोचते हो कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लोगे और अंदर से मोटिवेट हो जाओगे हाँ 2 दिन जोश चढ़ा रहेगा फिर 48 घंटे में जोश ठंडा हो जाता है ये इन लोग से ये रियलिटी में बोल दिया यार, और कई रियलिटी बोल दिया मैं हाँ ठीक है। और यार देखो पढ़ना पड़ेगा यार, मोटिवेशन से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं लोग, क्यों चाहिए उन लोगों को मोटिवेशन? नहीं एक्चुअली मोटिवेशन की जरूरत नहीं है यार, चीज़ों को समझने की जरूरत है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना। तुम्हें क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ना, मीन्स हाउ टू स्टार्ट एनीथिंग। अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेशन यार वो क्या बोलेंगे, उस स्टेज को आके प्लान वे में बस इस वर्ड्स को दे के चीज़ों को समझा देते हैं हाँ। और और इनका कुछ फिक्स आइडियोलॉजी नहीं है। देखो शुभम कुमार भैया को मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है सुनो, क्योंकि भाई फर्स्ट रैंक है तो उनके पास एक थॉट है, उन्होंने पढ़ाई करी है तो वो बता सकते हैं कि आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी है एक्चुअली, ठीक है ठीक है। आज का दिन कैसा रहा सबसे पहले? फ्रस्ट्रेटिंग मीन्स क्यों? टाइम दिया और क्या हुआ क्या? अच्छा हाँ अभी मैं बात करूँगा, ठीक है अभी पूछूंगा एक्चुअली कि बनना क्या है, ठीक है क्या नाम है आपका? अमृता। क्या करने आए थे आज? हम यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे। किसका? ओझा सर। अच्छा बस ओझा सर का? सिर्फ ओझा सर के लिए आए थे स्पेशली। अच्छा बस ओझा सर के लिए आए थे, ठीक है अभी बात करूँगा आपसे भी करूँगा, सबसे पहले इन लोग से कर लेते हैं ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि क्या बनना है, क्या बनना है बताओ हाँ क्या बनना है? सोचा तो UPSC करने का ही। अच्छा UPSC करना है सोचा है,
अभी कौन से ईयर में हो? थर्ड ईयर में सोच रहे हो कि यूपीएससी करना है? ओके, मतलब नेचुरल बताओ मुझे, मतलब जेन्युइन बताओ कि पढ़ाई कितना करते हो, मतलब ओरिजिनल बताना कितना घंटे पढ़ते हो? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे? आप भी बताओ, आप भी बताओ कितना घंटे पढ़ते हो? मुझे यूपीएससी नहीं करना। फिर क्यों आए हो? बस मोटिवेशन लेने आए। मतलब किस चीज की कमी रह गई थी मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ जा रही है? मतलब कभी कभी हो जाता है, इतनी मतलब इतना लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, सीयूटी भी आ रहा है तो इनसे मोटिवेट हो जाते तो पेपर अच्छा जाता। सीयूटी के कंपैरिजन में सीधे यूपीएससी की मोटिवेशन लेने आ रहे हो, कुछ और हो जाएगा। मतलब लेवल का मोटिवेशन लो ना, सीयूटी का मोटिवेशन तो मैं अच्छा दे सकता हूँ यार, उनसे बहुत अच्छा। उन्होंने तो दिया नहीं। अच्छा भाई, अच्छा मुझे जानते हो कि नहीं जानते? क्या नाम? BHU पार्ट साला। देखो सबसे पहले तो अभी अच्छा थर्ड ईयर में होते, एक सबसे ज्यादा माइंड में एक स्ट्रेस होगा कि मास्टर्स में होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो यूपीएससी छोड़ते हैं, पहले बताओ मास्टर्स में होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोशिश तो है कि हो जाएगा। किस ट्राई कर रहे हो? AISC से। AISC तो हार्ड है यार। हाँ तो वो हो जाएगा। AISC इजी नहीं है, मतलब ये मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं बोल दिया ना वही सत्य है। AISC निकालना बहुत हार्ड है। कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक दोस्त है वो 12-12 घंटे पढ़ता था, बेचारा पेट सीट से एडमिशन लिया। कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड तो सारी चीजें इंसान ही निकाल रहे हैं ना, स्टूडेंट्स ही तो निकाल रहे हैं। देखो यही मैं निकलवाना चाहता था इसके जुबान से, मोटिवेट है, फालतू बस टाइम लॉस करना है, टाइम लॉस करना है, धूप खाना है तो मोटिवेट होने चले आए। देखो कितना अच्छा खुद ही बोल रही है कि अभी इसने क्या बोला, अभी बोला कि इंसान ही निकालता है ना भाई, कितना मतलब अवध ओझा से भी बहुत बड़ी बात बोल रही है। अवध ओझा सर से अपने आप में बड़ी बात है, लोगों को समझना चाहिए कि हाँ एक सीट लेना था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कब ट्राई करना चाहोगे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट कब ट्राई करना चाहोगे? आपको तो करना नहीं है, आप बताओ यूपीएससी कब अटेम्प्ट करना चाहोगे? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट 24 में देना चाहती हूं। 24 में देना चाहते हो, मतलब अभी ट्रायल करना चाह रहे हो, क्या लेबल है? हाँ, क्योंकि पढ़ तो रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा पढ़ रहे हो, एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाए क्या AISC का? अच्छा ठीक, अरे कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लेना, मेरे को उतना नहीं आता है, हम दोनों बराबर ही हैं। ठीक है चलो, अच्छा एक क्वेश्चन AISC, तो सबसे पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफकोर्स वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री का नाम सुनते ही सबसे पहला चीज क्या याद आता है, सबसे पहला मतलब कोई वर्ड जो याद आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री सुनने से? मेरे को रूलर्स याद आते हैं, रूलर्स। ठीक है ठीक है, कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। ओके ओके, हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, रख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, रख भी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुझे बताओ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? AISC है। अच्छा सब्जेक्ट से हट के क्वेश्चन पूछते हैं ना, बेसिकली ऐसी समस्या हो सर? अच्छा सॉन्ग सुन लो, पसंद करोगे सॉन्ग सुन लो? गाने सुन लेती हूँ या घूम लेती हूँ, घूम लेना बहुत बड़ा। अच्छा घूमना एक बहुत अच्छा माइंड में डिटॉक्स कर देता है मेरे को। अच्छा घूम लेते हो बेसिकली उस? ओके ठीक है, मुझे लग रहा है हम लोग अब ऑफ करते हैं, मैं पूरा नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं इनका जो है वो निर्दर्शन पे डाल दूंगा, बाकी उधर का जो शूट करा है वो मैं BHU पाठशाला पे डाल दूंगा। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट में सजेशन मैं देना चाहूँगा, BHU के हम लोग भी हैं। हाँ पता है आपका, तो फिलोसफी। अच्छा मुझे, तुम्हें पता है कि मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, बहुत प्राउड हो रहा है मुझे। चलो किसी को तो पता है कि मैं दार्शनिक व्यक्ति हूँ। एक बात बताता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई बताएगा नहीं, तुम्हें भी लगता होगा ना BHU के लड़के पढ़ते नहीं, तुम सही से बता। पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। अच्छा बहुत पढ़ते हैं। हाँ, वो लोग रात में जाग के पढ़ते हैं और सुबह सोकर फिर वो शाम में बदमाशी करते हैं। रिजल्ट कहाँ? रिजल्ट कहाँ? शाम को बदमाशी? नहीं नहीं, रिजल्ट कहाँ? PCS का रिजल्ट आया ना? तो यहाँ का माहौल PCS वाला नहीं है, यहाँ का माहौल NET JRF वाला है, सबका दिमाग में NET JRF है यहाँ पे, यहाँ का PCS वाला माहौल नहीं है। हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। अच्छा। वो वाले लोग थोड़ा वो PCS वाला माहौल जाता है पर यार नेट से यार अब कितने लोग निकाल के PhD में जाएंगे, सीटें तो उसमें लिमिटेड हैं, तो ओरिएंटेशन बदलना चाहिए ना बच्चों को, कहीं और ट्राई करना चाहिए क्यों?
अब हर तरह हर जगह आप वो नहीं ढूंढ सकते ना, मतलब वो हो जाता है, माहौल बन जाता है। जैसे यहाँ पे चाह कर भी मतलब यूपीएससी का उतना स्कोप नहीं है, मतलब आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। पठाने नेट जेआरएफ जाना है तो नेट जेआरएफ हर दूसरा सीनियर आपको हेल्प कर सकता है, वही ऐसा माहौल ही है। ठीक है, बाकी बहुत सारा मोटिवेशन मैं स्टूडियो में बैठ के दे दूंगा। मोटिवेशन नहीं, मुझे गालियां मत देने लगना, मैं मोटिवेट नहीं करना चाहता ऑनेस्टली। जो बात रहती है नेचुरल बताऊंगा और किसी और वीडियो में बैठ के बातें करूंगा, ठीक है। आज मैं सच बताऊं तो मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा कॉन्सियस नहीं है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए आप देख रहे होगे ना मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ। बैठ के बातें करूंगा, आराम से बातें करूंगा, ठीक है। ओके, मुस्कुराते रहे, ऐसे चैनल को देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।